आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं रानीखेत में, मैं डिजिबिली का हुआ। हाँ, शुभ नाम। शुभ नाम बाला दत्त उप्रेती जी। मैं यहाँ पर 14 साल से निवास कर रहा हूँ जी। और मतलब मुझे यहाँ पर जो रानीखेत का विकास बिल्कुल नहीं लगा। हाँ। अगर डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को, रोज़गार मिलेगा। हाँ। बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। एक तो वैसे ही यहाँ पर टोल टैक्स पड़ रहा है जो। हाँ। जहाँ पर 5 रुपये किराया टैक्स पड़ता था, टोल पड़ता था, वहाँ पर आप 20-30 रुपये हो गया है। हाँ। छोटी गाड़ी का अल्टो का 20 रुपये और तुम्हारे बड़ी गाड़ी का 30 रुपये हो गया। हाँ। तो काफ़ी मतलब कहते हैं कि काफ़ी हो जाएगा, विकास हो जाएगा। हाँ। और हर चीज़ को, बेरोजगारी जो ज़्यादा फैल रही है यहाँ पर रानीखेत के अंदर। हाँ। तो उससे रोज़गार मिलेगा लोगों को। अच्छा, फिर अगर जैसे सोशल मीडिया में हमने आंदोलन चला रखा ना। अच्छा। तो उसमें धरना और एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल या आमरण अनशन, तो आप किस किस में भाग लेना चाहेंगे? हम आमरण अनशन में करेंगे। आमरण अनशन कर देंगे। हाँ। भूख हड़ताल तो हो ही गई, फिर आमरण अनशन देखिए आगे। हाँ। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। मोबाइल लीजिए 8859 71 9016।